मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। सुबह का जो टाइमिंग है वो गोलू को भेजने में, बेड पे लोट मारने में, एडिटिंग करने में, इन सब चीज़ों में रहता है। तो गाइज, आज भी किटी है, मंडे है एज वेल एज, और फास्ट भी है, किटी भी है, एथनिक वेयर कैरी करना है। तो सबसे पहले पता है, मैं ना के रूम क्लियर करूँगी, अलमारियाँ ख़राब हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से ना काफ़ी कपड़े बाहर पड़े हुए मेरे, वो सेट करेंगे। और उसके बाद मैं 2 घंटे 1 घंटे तो सोऊंगी, क्योंकि ये सिर मेरा काफ़ी भारी हो रहा है आज। तो बस गैस, मैं रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद अपना काम चालू करती हूँ। हालांकि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे पूरा काम कर सकती थी, लेकिन मैं आराम से सुस्ता रही थी, तो मैं सीधे रेडी होकर मिलती हूँ। सो गैस, अभी तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड अभी 10:30 बज रहे हैं इस वक्त। देखो, ये देखो 10:30 बज रहे हैं, एंड मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, एंड ना दिया वगैरह तो मैंने कर दिया है, और सिर भारी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ, देखो ना यहाँ पे ना सब ये प्रेस के कपड़े और ये सब तय हुए बनाने के कपड़े पड़े हुए, तो पहले सोच रही हूँ 1 घंटा ना सो जाऊँ, क्योंकि सोने के बाद ही ना मैं थोड़ा सा चैन, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँगी। अब उसके बाद ही देखो, काम का कोई एंड ही नहीं है, अलमारी वगैरह भी सेट करनी है मेरे को, तो ऐसे सेट, और ये कपड़े पड़े इस वजह से क्योंकि अलमारी कहीं ना बिखरी पड़ी है, तो उस पर सेट करने की जगह नहीं है। तो गाइस, मैं अभी इसमें क्या चीज़ रखी है, खाली, तो मैं बस सोच रही हूँ कि 1-1.5 घंटा मैं सो जाऊँगी ना, उसके बाद अच्छे से काम निपटा लूँगी। मम्मी के कमरे में चल के सोती हूँ। क्या सुबह बज रहे हैं अभी 1:12 बजे, मैं सोकर उठी, फिर इतना घूमना था ना मेरा नींद के मारे, बस सो गए। मैंने रूम मतलब इसी हिसाब से क्लियर करा था कि बस मुझे उठ के अलमारियाँ सेट करनी थी, और बाहर जो पौधे वाले भैया आ चुके हैं, आप कल आप आकर इनमें खाद लगा जाना, ठीक है, मैं खाद उतरवा लूँगी। हैं, हाँ तो कल आप ऊपर से आके ऊपर से डाल देना, और एक भी पौधा खराब हुआ भैया तो देख लेना। हाँ, मैंने बता दिया, एक भी पौधा नहीं खराब होना चाहिए। यार बारिश आ गई, गोलू भीग जाएगा। ये क्या तुलसा श्यामा है ना, श्यामा लग रही है। वही रखा लग उठा, यहाँ का जहाँ से उठाया भैया वही रखो, यहाँ से उठाए यही रखो, कहाँ रखे थे उठाए थे, हाँ तो यही रखो। ये एक यहाँ का यहाँ रख दो आप, हाँ एक ही बात, ये दोनों ले लो, हाँ तो भारी तो है भैया, गमले मिट्टी के गमले हैं, सीमेंट के अमल किए, तो ऊपर से मिट्टी भरी पड़ी है इनके अंदर। ये क्या है, रतालू भाई, तेल लगा हुआ, ये इसकी जड़ चल रही है, चल जाएगा ये। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर शाम के 4, जस्ट मैंने डिनर प्रिपेयर किया है, एंड 5 बजे की किटी है गाइस, तो मैं अभी निकलती हूँ, पौधे ले लिए मैंने, बारिश हो रही थी, गोलू आया, गोलू का लंच वगैरह दिया, अब फिर उसके बाद फटाफट खाना सीखा, क्योंकि 5 बजे की किटी थी, 4:30 बजे आपको निकलना भी होगा रेडी होकर, तो मैं 3 बजे से फ़ौरन ना डिनर प्रिपेयर करने में लग गई थी। तो गाइस, आज की है क्या कहते हैं, अनारकली सूट विद झुमका, आई डोंट हैव झुमका यार, देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें होगा, जंग ज्वेलरी में कुछ ना कुछ होगा, चलो ढूंढते। सो गाइस,
गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड अनारकली सूट फाइनली दूसरा मिल गया मेरे को, जो लाइट वेट था इसको मम्मी जयपुर जाने जोधपुर से लाई थी और मैंने इसके साथ कैरी करा है ये परिबन एंड ये जो ब्रेसलेट है ये ब्रेसलेट कैरी करा है। तो बस गाइस अभी मैं निकल रही हूँ, अभी ये चाबी कहाँ गई, चाबी तुम्हारे पास है क्या हुआ? हाँ तुम व्लॉग में आ गए हो। सो गाइस अब ना डेली जो ट्रेलर देखा करेगा उसमें आपको हनी दिखा करेंगे। ओह माय गॉड, हनी ये चाहते हैं मैं दिखूं और कोई ना दिखे। ओह मैया, अरे भैया गिरती मैं, दो घंटे सो ली। हाँ मैं तो अच्छा हुआ दो घंटे सो ली। सो गाइस मैं मेरे वेन्यू पर पहुँच चुकी है एंड इट्स फ्रेश प्रेसो, यहाँ की जो पिक्चर्स हैं काफ़ी हिट हैं। कहाँ हैं भाई ये बंद है? बाकी सब कहाँ है? कोई बात नहीं, कभी कभी कोई भी नहीं तो ला के अच्छे से बस अभी, लेकिन इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा कि तू आ गई हो, विनर होनी चाहिए गाइस। कमाल हो गई, कमाल हो गई, क्या कर रहे हैं गाइस? 10 और 5 15 और 6 21 क्या पता होस्ट जो है लोएस्ट को विनर बना दे भैया, कहीं लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, होस्ट अच्छा है वो कर सकता है, पता नहीं ऐसा होता है कमाल ही हो गया, लेकिन मजा आता है। बदतमीज ले, अब बोलियो मत। सोलह सोलह और चार बीस, बीस और छः छब्बीस। लो ली ऐसा कुछ, मैंने बहुत मेहनत से लाए थे रैंडम। हाँ सही बात है, कुछ तो मिलना चाहिए बेचारी को। प्लीज रूल मत चेंज करना, भाभी खेलती है मेरी। ये भी लग रहे दीप्ति वाले ही आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड है अभी तक, सेकंड नाम है कितना अच्छा तो हो रहा है, ये सही से करिए। घर के अंदर कैसे जाएंगी आप? जाएंगे उसको सही करिए जो टेढ़ी है, टेढ़ी है ना, चाउमिन खिलाने जैसा काम है यार, ग्लास में डालना है सब ओवरलैप ना, टेढ़ी पड़ गई मेरी तो बहुत ऐसी कल देते ना हमने। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं घर पर। ओहो कमरा देखो मेरा। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:15 एंड मैं आ चुकी हूँ किटी से, काफ़ी टाइम हो गया, जस्ट चाय बनने रखी है मैंने एंड यहाँ पे ना गोलू सो चुका है। तो जब तक गोलू सोया है मैंने थोड़ा सा ये काम, क्योंकि मेरा ये ना सुबह से पड़ा हुआ है, अलमारी सेट नहीं है तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, अदरवाइज़ गोलू को मैं जो हूँ इस टाइम पढ़ाती हूँ। तो अभी गोलू सो गया है तो मैं आराम से ना अपनी ये सामने वाली जो अलमारी है मेरी ये इसको सेट करती हूँ। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, जस्ट मैंने एडिटिंग कंप्लीट करी एंड आज
एक घंटे पहले एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, तो क्योंकि ना सिर में दर्द से वापस से दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है, नींद पूरी नहीं होती है। तो गाइस अब दो दिन मेरी कोई किटी नहीं है, परसों मैं पार्लर जाऊंगी एंड कल थोड़ा सा मार्केट का काम है, कल वो मार्केट का मतलब ऑल्ट्रेशन के लिए जो काम है पड़ा है पेंडिंग वो करवाऊंगी। एंड गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की जो किटी थी वो बहुत ही फैबुलस रही, आपको देख के समझ में आ ही चुका होगा कि हमने कितना एंजॉय किया। एंड किटी का नाम था अनारकली विद झुमका, तो रील आप लोग देख ही चुके हैं। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शो डू मोर लाइक्स, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, मन नहीं हो तो कुछ मत करना। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।